बजे चला था जी परसों रात को, परसों रात को नरवाना से चला था। हमने गया रात ने आराम कर ले, कोई बात नहीं, सुबह चले जाइयो। एक लाख रुपए लेके गया ये हमारे घर से, बोले ना मैं तो रात को ही जाऊंगा। कौन था जी वो एक लाख रुपए लेने वाला? ये अपने गुड़िया का बच्चा। अच्छा जी। हाँ जी, तो घटना हुई जी ये कम से कम 11:30 बजे सी, ये नहर के पास जी, सनियारा नहर के पास पहले नहर आती है जो, वहीं पे इसने 10 मिनट गाड़ी रोकी। रोकने के बाद इसने क्या किया, धक्का दे दिया गाड़ी को, लड़की को मार के। प्री प्लान हुआ है, पूरे साजिश के साथ इन्होंने ये काम किया। इसमें सारे इसके घर वाले, इसका देवर, जो कि 4 मिनट बाद लड़की के मरने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में आ जाता है, 4 मिनट बाद फोन करते ही वो उपलाना से आता है, ना कि बुनना से। ये जो नरवाड़ा का धर्मपाल है व्यक्ति, उसकी लड़की सुमन या मनोज सोनी नामक व्यक्ति के साथ बुना में शादीशुदा थी। वो जो 28 तारीख को करीब 10 बजे नरवाड़ा से बुना के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ चला था, जिसकी गाड़ी सनियाना के पास नदी में गिर गई और वो मनोज बच गया उस दुर्घटना में, और ये उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसमें डूबकर उनकी डेथ हो गई। उसके परिवार के जो सुमन के परिवार के जो हैं, उन्होंने उसके खिलाफ हत्या की आशंका जाहिर की है, जिस पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें अनुसंधान जारी है, जो भी दोषियों का उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लड़की के पिता ने शिकायत देकर 302 का मुकदमा दर्ज किया? जी हाँ, उसके फादर हैं जो उनके परिवार को शक है कि उसकी बेटी को डूबकर मारा गया। इनका कोई मतभेद था सर, कोई आपस में इनका कोई? पहले अभी ये डिस्क्लोज सारी बातें हो जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है।